एक्डेमिया वर्सेस इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे पी आपको मिलेंगे मोस्टली यू विल फाइंड देम इन इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है एकडेमिया के अंदर पैसा थोड़ा कम है तो यहाँ पे जो बहुत वेल well परफॉर्मिंग uh, नहीं होता पी वो जाता है एकडेमिया की तरफ या इवन जो इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो पार्ट टाइम आते हैं पढ़ाने की तरफ या रिसर्च की तरफ आपसे जब मेरी बात हुई मैंने आपसे पूछा कि आप एकडेमिया छोड़ के इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाती क्योंकि पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इवन थ्री फोर टाइम ज़्यादा है कंपेयर टू जहाँ पे भी आप हैं तो आपका आगे से ये आंसर था जी कि मैं कम्युनिटी गिव बैक भी तो करना है ना तो ये जनरल क्या ये वाकई जज्बा है कम्युनिटी गिव बैक और ये क्यों आया आपके अंदर क्या ये ये जो आपने सारी जगहों को आपने जिक्र किया ये क्या उस तरबियत का हिस्सा था या आप ये समझती हैं कि नहीं ये जनरली आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कर्ज है जिसको आपने कम्युनिटी को गिव बैक करके पैसा तो देखे बाई प्रोडक्ट है आपके नजदीक लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो माइंड है वो प्रोडक्ट है पैसा और बाई प्रोडक्ट है आपकी डिग्री बिल्कुल तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे आप जब आप ये पढ़ाएंगे कि डिग्री ये डिग्री कर लो ये जॉब मिल जाएगी ये डिग्री कर लो ये जॉब मिल जाएगी और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो विजन के लिए या वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज काम करें तो मेरा ख़्याल है थोड़ा आप हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने उस, उस जनरेशन को उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ वर्सेस यूरोप या इवन डेवलपिंग डेवलप्ड वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन टू रिसोर्सेज रेशियो बहुत डिफरेंट है जी जी बिल्कुल उसमें आपके सर्कमस्टांसेस ही डिफरेंट है आप उससे आगे सोच ही नहीं सकते क्योंकि अब खासतौर तो पर अब मेरा तो विजिट हर दो साल तीन साल के बाद ही होता है तो मैं ये देखती जा रही हूँ जैसे जैसे हम आते हैं हम देखते हैं कि लोगों में एक कम्पेरिजन बढ़ता जा रहा है अच्छा इसके पास गाड़ी ऐसी है इसके पास <laughs> मतलब घर ऐसा है इसके <laughs> जब आप इस तरह के <laughs> आ आप चीजें सोसाइटी में करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी काम करें तो फिर ये थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन है मेरा ख्याल है लेकिन आप भी तो इसी कम्युनिटी से गई है ना लालच तो इंसान को आता है वो है बिल्कुल ऐसे ही है मैंने ये कहा है कि ये आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं एक डिफरेंट सिस्टम का पार्ट बनते हैं आप हर किसी के अंदर ये पावर है कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं बाकी जहाँ तक रही कि पीएचडी एक डिमिया में आता है या रिसर्च इंडस्ट्री में आता है इंडस्ट्री में डेफिनेटली पैसा ज्यादा है एक्डीमिया में पैसा बहुत कम है एक्डीमिया मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सूफियों वाली जॉब होती है कि हाँ। आप फॉर द सेक ऑफ नॉलेज काम कर रहे हैं आपको जो मिल रहा है मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने शायद अपने अकाउंट को भी चेक नहीं किया कि अच्छा सैलरी किस तरह से आ रही है क्या आ रहा है बस ठीक है आपका रूटीन की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं काम चल रहा है दे आर सो डेडिकेटेड टूअर्स देवर्स तो ये एक थोड़ा सा नेचुरल भी होता है आपके अंदर लेकिन थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मेन्टोर ऐसे मिल जाते हैं मुझे डेफिनेटली पाकिस्तान में भी ऐसे मैंटोर मिले जिनमें मैंने ये चीज देखी कि वो जॉब कर रहे हैं इसलिए कि चलो घर चलता रहे लेकिन एक्चुअली उस जॉब के पीछे वो अपना वो जो एक क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाली आपकी एक स्किल होती है ना उसको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि वो अपना रिसर्च जिस जितना भी इस इन्वायरमेंट में रह के होता है वो वो करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक बाहर की बात है बाहर भी ये कंपैरिजन इसी तरह ही है <laughs> वहाँ पे भी डिमिया में जो है वो सैलरीज कम है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये बैड लक है ओवरऑल ऑलमोस्ट हर जगह पीएचडी सिस्टम की कि पीएचडी जो है जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको मोर ट्रेन करते डिमिया के लिए कंपेयर टू इंडस्ट्री